लोग को खाना खिलाना है। आगे ले आ सर, सर एक और चाहिए। कैसा कब वो बैग मिल गया ना? मिल गया ना? एक बेटा रुक जा, मेरा दोस्त है ये। सब ठीक बोला, मैंने बात की आज, ये अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है। जिस किसी का भी फेवरेट हीरो उसको पसंद है, उस इंसान का हीरो अपनी अपनी जगह पर सही है, सब सही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट एक बात सुनो, जो सलमान भाई से ले लेना वो साइड से चले भाई, जो सलमान खान को बुरा बोलते ना, बिकॉज आई एम जबरा फैन भाई बंटाए, सुन सलमान भाई को जो बुरा बोल देना, एक दिन सुबह उनके घर के पास जाओ भाई, वीडियो किसी दिन दिखा दूंगा ले जाके, वहाँ पे पता है 100-200 बंदे ना अपनी अपनी पर्चियाँ, हार्ट अटैक, कैंसर पेशेंट और बहुत सारे डिसीज के लोग आते हैं वहाँ पे पीपल्स, किसी को 50,000 कैश देते हैं, किसी को 1,00,000 रुपए देते हैं, किसी को 25,000 देते हैं, किसी को 10,000, किसी को 5,000, जैसे जिसका इलाज का पैसा होगा ना उस तरह से बंदा हेल्प करता है। कभी सलीम अंकल आके देते हैं उनके पापा, कभी वो खुद देते हैं। पता है क्या बात करते हो यार तुम लोग, इस बंदे की बुराई करते हो जिसने कितने परिवारों को पाल के रखा है यार, वो पता है फरिश्ता है, फरिश्ता, और फरिश्ते की बुराई नहीं करते, पता है तुम। पहले बोल दिया सबके हीरो सबकी जगह पर सही है, पर किसी को गलत मत बोलो। किंग खान शाहरुख खान को सलाम, दिल से सलाम, के 5 करोड़ का डोनेशन सबसे पहले बड़ा डोनेशन उन्होंने किया है। सैल्यूट खान साहब। एक लाइन देख रहे हो आप लोग, ये जहां तक निगाह जा रही है आप लोगों की, ये जो लोग खड़े ना सलमान खान के घर के सामने बैंड स्टैंड पे, लोग अपने रिपोर्ट लेके आते हैं जो इन हार्ट पेशेंट होते हैं, और उन लोगों को फ्री में पैसे मिलते हैं, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1,00,000, जैसी उनकी प्रॉब्लम होती है। तो सलमान खान रोज सुबह में इतने ज्यादा लोगों को कैश देते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके दिल की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, और हम ये कह दें अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मेरी जान कैसे हो, अल्लाह तुम्हें खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अरे यार तुम्हारा दिल अच्छा है,
और आप हिंदुस्तान की ऐसी चाय है ना जो हर इंसान पीना चाहता है और लुत्फ उठा रहा है। और सर यही लोग आपको सुपरस्टार बना के रखे अल्लाह के करम से, और ये लोग वो है जो आपकी फिल्म जुम्मा की नमाज पढ़ते ही जाके भाग के देखते हैं। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश कोहली सर। हाँ कमलेश कोहली, कमलेश कोहली हुकुम कोहली जी। फिर ये करीना जी को पहचाना आपने? नहीं पहचान। कल देखिए हम आपके घर में आए हैं। अरे सर आप बिन बुलाए मेहमान बन गए। हाँ भाई पीछे 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 जनाब। मैम सॉरी मैम, मेरे पास बहुत पैसे हैं तो एंड आई टेल यू समथिंग। मैंने परसों तरसों की बात कर मैंने एक फ़ोटो देखी थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेके निकल रही थी। एंड एक्चुअली आई कंसिडर दैट हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। व्हेन आई सॉ दैट फोटोग्राफ आई थॉट ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। जैसे वो फोटोग्राफ आई वुड जस्ट से कि मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है और सो सैड ऑन ट्विटर में नहीं डालना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा ये मत डालो, कुछ करो, चाहे वो एक चवन्नी क्यों ना हो या 25 लाख क्यों ना हो या 25 करोड़ क्यों ना हो, जितना आप दे सको गेट अप, स्टॉप ट्वीटिंग अबाउट इट and saying it is very sad, it is so, God bless everything, I hope everything was okay. Don't do that, react to it. Just do something about it, that's it. Hello guys. Self-isolation karna bahut zaruri hai aise time pe. To main kar raha hoon. Aur mere ghar 3 log aaye the. हालांकि मैंने सुबह पोस्ट डाला था वो देख के आए थे। और कौन सी पोस्ट देख के आए घर? जब मैंने लिखा था कि मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ स्टार्ट, तो घर मत आना प्लीज़। तो ये देख के फैंस घर आ गए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों नहीं समझ पाते लोग ये छोटी 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 इतनी इतनी सी ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें। मैंने लिखा है पोस्ट में सेल्फ आइसोलेशन कर रहा हूँ ताकि सब लोग अवेयर रहें और हम कुछ हो तो बाहर फैले ना, अगर बाहर है तो हमें ना फैले और सोसाइटी में ना फैले जो भी कोरोना वायरस का झमेला चल रहा है। कि छोटी सी चीज़ें हैं क्यों होते हैं हिंदुस्तान में ऐसे, क्यों नहीं समझ पाते लोग, क्या रीज़न होगा? वो बाहर आके कह रहे हैं अरे भाई कुछ नहीं होता भाई, एक बार हाथ मिला लो। अरे यार आप कैसे कर सकते हैं ये, समझिए। आप पढ़े लिखे, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे दिख रहे थे, वो पढ़े लिखे हैं आप, अच्छे अच्छे स्कूलों में गए हैं, है ना, समझिए इन सब चीज़ों को प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ऐसे में हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें। सो हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही ज़रूरी काम ना हो आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज़ करें, दिन में
8-10 बार अपने हाथ धोएं और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पे रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लगेगा, लेकिन हाँ जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होकर क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो उनको अच्छा लगेगा बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 22 मार्च ही नहीं उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। सो मैं प्रे करता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे वापस लौटें। और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।